यूपी सरकार का नया फरमान, हर दुकान पर लिखना होगा अपना नाम। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे यूपी सरकार के नए फरमान के बारे में। खाने की चीज़ों में पेशाब और थूक की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपना चुके हैं। गंदी चीज़ों की मिलावट करने के वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसके निर्देश दे दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में हर ढाबा और रेस्टोरेंट पर मालिक और संचालकों के नाम लिखे जाएंगे, कर्मचारी मास्क लगाएंगे और CCTV भी जरूरी है। अधिकारियों को इसकी निगरानी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में घंटी ऐसी घटनाओं के संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच अभियान, सत्यापान आदि को भी निर्देश दिए। साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों के आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल ही के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं की मानव अपशिष्टि, अखाद्य गंदी चीज़ों की मिलावट की घटनाएँ देखने को मिल रही हैं। ऐसी घटनाएँ विभिक्त हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में बहुत काम करती हैं। ऐसे प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी चाहिए और ये सब बहुत आवश्यक है। प्रदेश व्यापी सदन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहाँ कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापान किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, पुलिस के व और स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई जल्द से जल्द संपन्न की जाएगी। योगी ने कहा कि खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेटर आदि सभी लोगों को पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाएगा। ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों में CCTV की व्यवस्था की जाएगी। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी CCTV से कवर किया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर प्रतिष्ठान संचालक CCTV की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यक पड़ने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध करा देगा। उन्होंने कहा कि खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और सर्विस के समय संबोधित व्यक्ति मास्क और ग्लव्स पहने हुए और उनका उपयोग करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आम जन को स्वास्थ्य हितों के लेकर किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधी गतिविधियों से जुड़े नियमों की व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए सख्त किया जाएगा। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।